सबके समक्ष फेसबुक लाइव के जरिए एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने आई हूँ, और वो मुद्दा आजकल की हर नारी के मन में है और हर मुंह पे इसी की चर्चा है। पर दुख इस बात का है कि ये चर्चा में ही रह जाता है, आपसी बातचीत में ही रह जाता है, और जब भी बात आती है कि ये जो मुद्दा है महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा, महिलाओं की सीट के रिजर्वेशन का मुद्दा, वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के गलियारों में खो जाता है। आज हम देश की आधी आबादी हैं, और ये पूरा जो इनिशिएटिव है यूथ कांग्रेस का, आधी आबादी पूरा हक, मैं उसको वेलकम करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को सेंटर स्टेज पे लाया है, महिलाओं के मुद्दों को सेंटर स्टेज पे लाए हैं, और ख़ास करके महिला जो आधी आबादी है उनको पूरा हक दिलाने में ये पूरा कैंपेन और मुहिम शुरू की है। इस बात में सच्चाई है कि आज एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। 33% रिजर्वेशन की बिल जब बात शुरू हुई थी, हमने हमेशा अपना पूरा समर्थन दिया है। जब हमारी सरकार थी, क्योंकि केंद्र में हमारी जो सरकार थी मिली जुली सरकार थी और हमारे पास स्पष्ट बहुमत पूरा नहीं था, हम इसको पास तो कर पाए थे पर दोनों पार्लियामेंट्स हाउसेज में नहीं पास कर पाए थे, और खुद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इसमें पहल करके सारे राजनीतिक दलों से जुड़ने को कहा, और उन्होंने ध्यान दिलाया कि जब लोकल बॉडीज़ और पंचायती लेवल पे श्री राजीव गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ये मुहिम शुरू की थी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में, आज वो मुहिम के माध्यम से बहुत सारी महिलाएं लोकल बॉडीज़ में आ गई हैं और पंचायती लेवल पे भी काम कर रही हैं। अब समय आ गया है महिलाओं को सदन में लाने का, संसद में लाने का, और इन सब की जिम्मेदारी, हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी बनती है कि इस पे गंभीर चर्चा हो। पर दुर्भाग्य इस देश का ये है कि आज सत्ता में ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो महिला विरोधी पार्टी है। हमने बकायदा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनको चिट्ठी लिखकर कहा कि आपके पास हमारा पूरा समर्थन है, आपके पास एक ऐतिहासिक मौका है जहाँ पर आपको स्पष्ट बहुमत मिला है, और आप चाहें सदन में, जैसे ही संसद में, लोकसभा में तो आप पास कर ही सकते हैं, राज्यसभा में हम आपको पूरा पूरा समर्थन देंगे। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस पत्र का जवाब तक नहीं दिया है। श्री राहुल गांधी जी ने खुद ने इस बारे में सामने फिर से लिख कर कहा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए और इसको जल्द से जल्द पास होना चाहिए, पर फिर भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुप्पी बांधे रखी। तो हमने अपनी पार्टी के माध्यम से निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, अभी हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनकर हमारी सरकार आई है, तो हम अपनी असेंबलीज में इस बिल को पारित करेंगे। पंजाब ने इसे कर दिया है, कर्नाटका करने के कगार पे है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों राज्य भी जल्द से जल्द महिलाओं को राजनीति में सक्षम बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और सक्रिय बनाएंगे। तो इसी उम्मीद से, इसी होप से मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझसे इस मुद्दे पे सवाल पूछें, और आपके जो भी सवाल होंगे, आपके मन में हो, आप फेसबुक लाइव के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपसे रूबरू होंगी। और ख़ास करके मैं उम्मीद करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष आकर हमारे साथ इस लड़ाई में जुड़ेंगे और इसको एक हकीकत और सच्चाई बनाएंगे। हमारा पहला सवाल श्वेता पाल से है, एक महिला होने के नाते आखिर महिला आरक्षण की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? श्वेता जी, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है, और बहुत लोगों के मन में भी आता होगा कि ऐसा क्यों है कि हम आरक्षण के माध्यम से ही सक्रिय हो सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अगर 1947 में जब देश को आज़ादी मिली, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जब ड्राफ्ट कर रहे थे, वहाँ पर भी महिलाएँ थी, काफ़ी सक्षम महिलाएँ थी, और उन्होंने भी ये डिसाइड किया, क्योंकि हम सबको इक्वल राइट्स देंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वाला माध्यम बनेगा, सोसाइटी इंक्लूसिव होगी, तो महिलाएं खुद आकर इसमें भागीदारी लेंगी। पर कहीं ना कहीं ये जो पूरा मुहिम है जहाँ पे महिलाओं को हम सक्रिय कर सकते थे, महिलाओं को हम अपने बीच में ला सकते थे, कहीं ना कहीं वो इनिशिएटिव हमसे खो बैठा है, और जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो जब हम देश की आधी आबादी बन चुके हैं और हम अपना रिप्रेजेंटेशन आसियान कंट्रीज़ हों, बाकी सारे रीजन्स को लेकर हों, हम सबसे रॉक बॉटम पे पाए जाते हैं। पाकिस्तान भी हमसे आगे चला गया है,
श्रीलंका भी हमसे आगे चला गया है, नेपाल में भी रिप्रेजेंटेशन महिलाओं की ज़्यादा है, पर इंडिया वो नहीं कर पाया है. और ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं देशों के जहाँ पे उन्होंने जैसे ही रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया है वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है. अब रुवांडा को देख लीजिए, रुवांडा में इतनी लीडरशिप है महिलाओं की कि आज रुवांडा इज़ डूइंग वेरी वेल इन मैनी डेवलपमेंट गोल्स. सिमिलरली इंडिया पे ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप लोकल बॉडीज और पंचायती लेवल्स पे आप देखेंगे तो महिलाओं की भागीदारी से सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे निकलते हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आता है. तो क्योंकि ये नेचुरल प्रोग्रेशन नहीं हो पाया है, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि महिलाओं को वो स्पेस दी जाए. और एक महिला जो राजनीति में आती है वो उस उम्मीद से आएगी कि कहीं उनकी आवाज़ नहीं दबाई जाएगी. पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड है, यू कैन नॉट डू अवे विद दैट. तो एक महिला भी इस कॉन्फिडेंस से आएगी कि अगर हम अपनी भागीदारी बढ़ाने के काम कर रहे हैं तो हमारी जो पॉलिसीज हैं वो महिलाओं को भी इसमें साथ लेकर चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम भारती. अगर महिला आरक्षण बिल किसी तरह आने वाली सरकार पास करा लेती है तो देश की महिलाओं को क्या क्या फायदा मिलेगा? और मैं अर्पिता जी को ये भी बता दूं, उन्होंने कहा हमारी पार्टी का क्या स्टैंड है. हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि हम इसका समर्थन करेंगे. कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो पर अगर वो महिलाओं के अधिकारों की बात करेगा तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी. ये हम आपको अपनी प्रतिबद्धता दिखा दें. भारती जी से मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी महिलाएं राजनीति में जुड़ी हुई हैं पर कहीं ना कहीं जब टिकट देने की बारी होती है या टिकट के सवाल उठ खड़ा होता है कहीं ना कहीं एक मानसिकता हावी हो जाती है कि जीत पाएंगी कि नहीं, कहीं ये सक्षम हैं कि नहीं, क्या ये समय दे पाएंगी कि नहीं, विल शी बी एबल टू डू जस्टिस टू द जॉब दैट इज़ बीइंग गिवन टू हर. सो ये जो सारी स्पेस है उसको ख़त्म करने के लिए जहाँ पे इस तरीके के सवाल या निशान खड़े हों एक महिला की सक्षमता पे, इसलिए ये बिल आना ज़रूरी है. और ये कैसे हेल्प करेगा, इसका एक रिपल इफेक्ट होगा. जब एक महिला देखती है कि उसके लिए एक जगह 33% जगह खाली है, वो महिला जो राजनीति से जुड़ना चाहती है पर साधन पे ऊपर सवाल उठाती है, काबिलियत तो होती है पर मौका मिलेगा कि नहीं, वो अपने मन में सवाल पूछती है और फिर पीछे झिझक कर हट जाती है. वो महिला भी अपने आप को सक्षम महसूस करेगी कि अब वो मजबूर नहीं है, मजबूत है, और अगर वो काम करती है तो उनको काम का भी अंजाम मिलेगा. त्रिशी रॉय का सवाल. महिला आरक्षण बिल के संबंध में वर्तमान सरकार द्वारा कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? ये मैं मानती हूँ कि आपके पास ऐतिहासिक मौका है. सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा में है, राज्यसभा में ऑपोजिशन लीडरशिप है, पर ऑपोजिशन लीडरशिप ने भी कमिट कर दिया है कि हम आपका समर्थन देंगे अगर आप इस बिल को लाते हैं. तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता पे सवाल उठ खड़ा होता है. क्या उनको डर है कि अगर ज़्यादा महिलाएं पार्लियामेंट में आएंगी तो इनकी जो महिला विरोधी सोच है उसका देश में अंत हो जाएगा? क्या इनको ये भय है कि अगर महिलाएं आएंगी तो महिलाएं अपने आप को ज़्यादा सक्षम माने कर पाएंगी? क्या इनको ये भय है कि जिस तरीके की मानसिकता लेकर ये चलते हैं कि एक लड़की सिर्फ शादी लायक ही है और शादी करने के बाद बच्चे पालने लायक ही है, बच्चे पालने के साथ साथ किचन संभालने लायक ही है, वो सोच इस देश में ख़त्म हो जाएगी? बहुत सक्षम महिलाएँ हैं इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको भी मौका मिलना चाहिए. और राजनीति एक बहुत अहम अंग है जहाँ पर हम पॉलिसी डिसीजंस कर सकते हैं, हम अपने देशों दूसरे देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते कायम कर सकते हैं, हम फिनेंस में भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, हम बाकी इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, पर उनको मौके की ज़रूरत है. और वो मौका देने का बहुत ऐतिहासिक मौका आपके पास है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जो आप लोग महिलाओं को वंचित करते करते अपनी भी पोल खोल रहे हैं उसको सामने ना लाकर. अन्नपूर्णा का सवाल. क्या आरएसएस की विचारधारा वाली पार्टी में पार्टी के सत्ता में रहते कभी भी महिलाओं को अधिकार मिल सकते हैं? अधिकार मिलने के लिए हमने पूरी कोशिश जद्दोजहद लगाई हुई है और जिस बिल को 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले पास होना चाहिए था वो अभी भी इस राजनीतिक दल की वजह से फंसी हुई है जिन्होंने सिर्फ महिला विरोधी काम किए हैं. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो विपक्ष का प्रेशर है, जो आज की महिला की मांग है, जो देश की आधी आबादी की मांग है,
वो उनको मजबूर करेगी कि ये 33% रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट में लाएं, उस पर सक्षम बहस हो और बहस के बाद इस बिल को एक एक्ट के मद्देनजर लोगों के बीच में लेकर जाया जा सके। अदिति भट्ट का सवाल, कांग्रेस और भाजपा के वर्तमान प्रवक्ताओं की सूची देखें तो भाजपा में महिला प्रवक्ता ना के बराबर नजर आती है और कांग्रेस में काफी अधिक, ऐसा क्यों? देखिए, भाजपा के सारे प्रवक्ताओं से मैं जब भी डिबेट में जाती हूँ, मैं यही सवाल पूछती हूँ कि ऐसा क्यों है कि महिलाओं के मुद्दों पे भी आप बात करेंगे, देश के मुद्दों पे भी आप बात करेंगे, अर्थव्यवस्था पे भी आप बात करेंगे, विदेश नीति पे भी आप बात करेंगे, चाणक्य नीति पे भी आप ही आकर बात करेंगे? क्या आप नहीं मानते हैं कि आपकी महिलाएं सक्षम हैं? हम तो मानते हैं सक्षम हैं, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ों के आधार पर हम आपके सामने आए दिन आकर लड़ते हैं, झगड़ते हैं और हर मुद्दों पर बहस करते हैं जहाँ पर आपको लगता है सिर्फ ये पुरुष ही कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी से मैं उम्मीद करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी कुछ सीखेगी और ऐसी महिलाओं को भी मौका देगी जो आकर पार्टी का पक्ष रख सकें। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतनी मेल डोमिनेटेड वो पार्टी है कि उनको लगता है कि सिर्फ एक आदमी ही उनको डिफेंड कर सकता है, पर वो भूल जाते हैं कि महिलाओं ने हमेशा से ही हर चीज़ को, और जब कुछ सोचती हैं उसको अंजाम तक पहुँचाती है, उसके लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। मनोज जी का सवाल, दिल्ली के सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और आंदोलन कितने प्रतिशत अपनी आवाज गांव की महिलाओं तक पहुंचा पाते हैं? ये बात तो सही है कि दिल्ली में क्लोज डोर कॉन्फ्रेंसेस और उसकी काफी क्रिटिसिज्म भी होती है, पर मैं मानती हूँ कोई भी कॉन्वर्जेशन किसी भी देश के कोने में होना गलत नहीं है। आज अगर बंद कमरों में महिलाओं के बारे में जो गाँव में रहती हैं उनके मुद्दों पर बहस होती है, चर्चा होती है, तो कहीं ना कहीं सबके जहन में उनको लेकर सोच है, उनके मन में एक ऐसा जिम्मेदारी भी समझते हैं कि वो बदलाव लाना है। तो कहीं भी कॉन्वर्सेशन हो, किसी भी कोने में हो, एक आदमी के, दो आदमी के, तीन आदमियों के बीच हो, एक महिला, दो महिला, तीन महिलाओं के बीच में हो, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया आइडिया सामने लाता है, एक नया पर्सपेक्टिव सामने लाता है और इन्हीं डायलॉग्स के चलते कुछ अच्छे डिसीजन भी निकल कर आते हैं। जय श्री मिश्रा का सवाल, हिंदुस्तान में महिलाओं की लगभग आधी आबादी है लेकिन अधिकार बिल्कुल भी प्राप्त नहीं, ऐसा क्यों? जयश्री जी, बिल्कुल आधी आबादी है, पर कहीं ना कहीं मैं आपके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ जहाँ आपने कहा उनके अधिकार बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। अधिकार हैं, काफ़ी अधिकार क्षेत्र भी हैं और आज जो 70 साल के इतिहास में देश की महिलाएं काफ़ी सक्षम रूप से बहुत सारी ऐसी जगहों पे उन्होंने अपना नाम कमाया है, अब तो एयरफोर्स में भी आ गई हैं, आर्मी में भी उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको भागीदारी मिलेगी और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाओं ने अपना नाम रोशन किया है, फिनेंस हो, इकॉनमी हो, तो बहुत सारी जगह हैं। पर हाँ, एक जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा उनकी कमी दिखती है वो है राजनीतिक स्पेस में। मैं भी कभी कभी अपने आप को लोनली महसूस करती हूँ कि अकेले अकेले रानी की झांसी की तरह हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं। उम्मीद करेंगे कि हमारी ऐसी बहुत सारी महिलाएं सामने आएंगी, राजनीति से जुड़ेंगी और जो उनके मन में ये जो माइंडसेट बना हुआ है इतने सालों से, ये जो विचार चलता ही आया है कि राजनीति इज़ अ बैड वर्ड, एंटरिंग द स्पेस इज़ अ बैड आइडिया, वो ख़त्म करना, ध्वस्त करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम सब महिलाएं मिलकर जब हम अपनी आवाज़ उठा ही रहे हैं तो हम ये भी ध्यान रखें कि राजनीति ही हर चीज़ का समाधान भी है और एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स कैन चेंज द डायनामिक्स ऑफ दिस कंट्री। पूजा मौर्य का सवाल, कांग्रेस ने लगभग 60 वर्ष देश में शासन किया, आपके कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के क्या कदम उठाए गए? पूजा जी, बहुत सारे ऐसे कदम हुए हैं जो लीगल सैंक्टिटी देते हैं महिलाओं को, महिलाओं के अधिकारों को लेकर। अगर हम हिंदू कोड बिल की बात करें, जब शुरुआत में आया था उस पर बहुत सारी बातें की गई थी कि इट विल गो अगेंस्ट द राइट्स ऑफ हिंदूज, महिलाओं को काफ़ी सक्षम किया था। बहुत सारे ऐसे इनहेरिटेंस लॉ है, उनकी भागीदारी इन HUF है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमने महिलाओं को सक्षम करने के लिए,
उनके बिजनेस स्टार्ट करने हों, उनको छोटे कारोबार शुरू करने हों, उनको पढ़ाई में राइट टू एजुकेशन की बात करें, या 50% महिलाओं की भागीदारी राजनीति में लोकल लेवल्स पे बात करें, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और ये भी नहीं भूल सकते हैं कि महिला प्रधानमंत्री हों, महिला राष्ट्रपति हों, महिला स्पीकर हों, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही दिया। महिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की भी काफ़ी रह चुकी हैं, और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी ने पार्टी को दशा और दिशा दिखाई ऐसे समय पर जब हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सारी चीज़ें दूसरी महिलाओं को इंस्पायर करती हैं। बहुत सारी चीज़ें करनी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो पेंडिंग हैं, पर उसका कहीं भी कतई ये मतलब नहीं देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी अपनी प्रतिबद्धता से हटकर कोई काम कर रही है। प्रतिबद्धता है कि आधी आबादी को पूरा हक मिलना चाहिए। अंकेश इज आस्किंग, डू यू थिंक द जस्टिस वर्मा कमिटी रिपोर्ट दैट वाज फॉर्मड इन द वेक ऑफ द निर्भया इंसिडेंट हैज रिजल्टेड इन एनी क्रूशियल रिफॉर्म्स इनफ टू इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है अंकेश जी ने, और मैं मानती हूँ कि ये बिल बहुत एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस महिलाओं के बीच में लाया था। महिलाओं को काफ़ी सारे और अधिकार, कानूनी अधिकार दिए थे जहाँ पे वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकती थी, और जो जो वो चाहती थी कि इसमें एक एक्ट के ज़रिए होना चाहिए वो सब उसमें शामिल किया गया। पर बस एक कानून बनाकर हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। कानून को सक्षम तरीके से इम्प्लीमेंट करना और महिलाओं को उनके कहीं भी अगर वो अपने आप को महसूस करती हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो कानून हैं उनको फेल किया है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस वॉज पार्ट ऑफ द आइडिया। कहीं ना कहीं हम उस एजेंडा को फिर से सेंटर फोकस में लाना बहुत ज़रूरी है। गौरव जी का सवाल, राहुल गांधी जी ने हाल में ही एक ट्रांसजेंडर को राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनाया है, इसको आप कितना बड़ा कदम मानती हैं और ट्रांसजेंडर समुदाय को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? सबसे पहले तो जो राहुल गांधी जी ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है बहुत ही स्वागत योग्य है। कोई भी राजनीतिक दल आज तक के इतिहास में उनको लिप सर्विस तो पे कर रही थी पर उनकी लड़ाई नहीं लड़ रही थी। एक कांग्रेस पार्टी थी जो उनकी लड़ाई लड़ रही थी। सेक्शन 377 की बात करें और अब जो आनन फानन में ट्रांसजेंडर बिल लाने का काम किया जा रहा है जहां पे उनके अधिकार जिस तरीके से उनको मिलने चाहिए उनको वंचित किया जा रहा है, उसके बहुत सारे प्रोटेस्ट देश में हो रहे हैं। तो इस अपॉइंटमेंट से उन्होंने बाकायदा बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी इज द ओनली नेशनल पार्टी इन इंडिया जो इंक्लूसिव है, जिसका सबको समावेश जिसमें है वो एकमात्र पार्टी है, जो सबका सम्मान करती हो, सबको अधिकारों की लड़ाई के साथ साथ अधिकार का की जिम्मेदारी देती हो, और अपने साथ कंधे से कंधा मिलाने का एक प्रोग्रेसिव लिबरल नैरेटिव सेट करने में कांग्रेस पार्टी कितनी सक्षम है, मजबूत है, उनकी सोच है, वो इस अपॉइंटमेंट से साफ झलकता है।